नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए किडनी से जुड़ी नई जानकारी के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको किडनी के काम और उसकी कार्यक्षमता को सुधारने के बारे में बताएंगे। अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से पा सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने विषय पर। वर्तमान समय की जीवन शैली, जहां वक्त का सबसे ज़्यादा अभाव है, या यूं कहें कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच सकें, ऐसे में अगर हमें छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुखाम, बुखार, खांसी और दर्द जैसी समस्या हो जाए, तो हम इसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, या कोई भी दवाई का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के कर लेते हैं, जिसका खामियाजा आपकी किडनी को भुगतना पड़ता है। आज के समय में किडनी की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। किडनी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा माना गया है। अगर किडनी सही तरीके से काम ना करे तो इससे मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। किडनी मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है और शरीर में इसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किडनी का मुख्य काम हमारे शरीर में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर करने का होता है। किडनी अपने काम को नियमित रूप से करती रहती है और साथ ही है शरीर का संतुलन भी बनाए रखती है। किडनी ब्लड को साफ करती है और पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को संतुलित करती है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपकी किडनी का सही ढंग से काम करना आपके सभी अंगों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है? किडनी का खराब होना आपके शरीर के लिए एक गंभीर समस्या हो सकता है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्या भी हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं किडनी खराब होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। वर्तमान समय के बदलते लाइफस्टाइल और गलत आहार की वजह से किडनी एक समय के बाद अपने काम में धीमी हो जाती है, और किडनी के कार्य में धीमी गति होने का साफ अर्थ है कि किडनी में समस्या हो गई है। जब तक किडनी की खराबी का पता चलता है, तब तक किडनी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसका सिर्फ बचाव करना ही उपचार रह जाता है, या फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही इसका उपचार रह जाता है। डायलिसिस, जो कि बहुत ही दर्दनाक उपचार होता है। किडनी खराब होने के लक्षण अक्सर बहुत देर में समझ आते हैं, इसलिए किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब किसी की किडनी 60 से 65% तक खराब हो जाती है, तब मनुष्य किडनी की समस्या के लक्षण को समझ पाता है। तब तक किडनी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो नॉर्मली किडनी में समस्या को दर्शाते हैं, जिसमें पहला है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव। यह एक ऐसा लक्षण है जो आम तौर पर दिखाई दे जाता है, क्योंकि जब किसी के यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होते हैं तो अक्सर उन्हें यूरिन में स्मेल आती है या यूरिन के रंग में बदलाव नजर आता है। यूरिन करने में दर्द, जलन होना, इसके साथ यूरिन में खून आने जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर किसी इंसान को यूरिन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो यह किडनी में परेशानी का कारण हो सकता है। बात करें अगले लक्षण की, तो किडनी में समस्या होने के कारण अक्सर कमजोरी, थकान, अचानक से बेहोश हो जाना और चक्कर आने जैसी स्थिति बनती है। अगर आपको बेवजह की थकान महसूस होती है या चक्कर आते हैं, तो इस बात को बिना इग्नोर किए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगले कारण की तरफ। कुछ लोगों को पेट में अचानक दर्द होने लगता है या कमर में अक्सर दर्द बना रहता है। लगातार पेट में या कमर में दर्द बने रहना किडनी में समस्या का कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किडनी में सूजन के कारण दर्द होता है, जिस दर्द को लोग कमर दर्द समझ लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी पेन किलर खा लेते हैं। दर्द कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाता है, मगर ये दर्द वापस आ जाता है। अगर किसी को ऐसा दर्द लगातार बना रहे, तो इसका मतलब साफ है कि आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो गई है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। अपने विषय पर आगे चर्चा करेंगे, पर हमेशा की तरह हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल, किडनी की श्रिंकेज क्या है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किडनी से जुड़ी सभी समस्याओं का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता। आप अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। आयुर्वेदिक इलाज कई साल पुरानी और सफल प्रक्रिया है, जो आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वर्तमान समय में भी आयुर्वेद ने अपने सफल इलाज के चलते अपना वर्चस्व बनाकर रखा है। तो यह था आज का विषय, जिसको लेकर हमने आपसे चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।
अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा आपको किडनी से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज देता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और इस समस्या को मात देने में सक्षम हुए पेशेंट उतने अच्छे से नहीं बता पा रहे, बट इनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जब आए थे काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे थे और उन सारी समस्याओं को उन्होंने मात दी। स्टॉप किडनी डायलिसिस।